सो हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, अगर आप लोग भी इसी तरह का वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा, तब तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, नहीं तो घंटा समझ में नहीं आने वाला है तो आप लोग वीडियो एडिट नहीं कर पाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एडिट करना। तो वीडियो को एडिट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो वीडियो तो गाइज, आप लोगों को इस वीडियो को एडिट करने के लिए अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा अपने फोन में। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। तो अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो सिंपल से यहाँ से एक बार इस प्लस के लोगो पे क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो सिंपल से आप लोगों को अपने वीडियो का रेशियो सेलेक्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं मैंने पहले से करके रखा हूँ 9:16 वाले रेशियो को, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। करने के बाद आप लोग को सिंपल से क्या करना होगा, यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा व्हाइट लिखा हुआ, तो इस एरो पे क्लिक कीजिएगा। करने के बाद अगर आप लोग यहाँ से जो कलर रखना चाहते हैं उस कलर पे क्लिक कर लीजिएगा, तो मैं व्हाइट ही रहने देता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा आप लोगों के सामने। तो सिंपल से क्या करना होगा, यहाँ से इस प्लस के लोगो पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल से आप लोगों को एक बार इस एरो पे क्लिक कर लेना होगा। यहाँ से एरो पे क्लिक करने के बाद आप लोग को अपने फाइल में जाना होगा, जिस फाइल में आपका फोटो है। चलिए मैं अपने फाइल में जाता हूँ और उसके बाद फोटो पे क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं फोटो को ढूंढ के फोटो पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे फोटो ऐड हो चुका है। तो फोटो को अपने हिसाब से घटा या बड़ा करके एडजस्ट कर लीजिएगा। आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना अपने हिसाब से रख लीजिएगा। इतना रखने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा बॉर्डर एंड शेडो का, तो सिंपल से इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्या करना है, इसे अनेबल कर लेना है। इसे अनेबल करने के बाद आप लोग को यहाँ से इस कलर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को जो कलर का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं सिंपल से उस कलर पे क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद आप लोग को यहाँ से क्या करना है, एक बार कर लेना है बाइक। बाइक करने के बाद आप लोग को सिंपल से इसे बढ़ाना है, इसे बढ़ाना है। चलिए मैं बढ़ाता हूँ, बढ़ा करके आप लोग को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि साइड से बॉर्डर बढ़ रहा है। इसे बढ़ाने के बाद आप लोग को सिंपल से यहाँ से सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से इसे अनेबल कर लेना होगा। चलिए मैं कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को शेडो को बढ़ाना है यहाँ से। चलिए मैं यहाँ शेडो को भी बढ़ा देता हूँ। देख सकते हैं साइड से शेडो बढ़ रहा है। उसके बाद आप लोग को फिर से क्या करना होगा, यहाँ से एक बार कर लेना होगा बाइक। तो बैक करने के बाद देख सकते हैं कि शेडो लग चुका है साइड से। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ से इस प्लस के लोगो पे एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट लिखा, तो इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो आप लोग को इस बॉक्स में अपने शायरी को ऐड कर लेना होगा। चलिए मैं अपने शायरी को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं लिख कर रखा हूँ, तो मैं सिंपल से यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ से इसे आप लोग को बढ़ाना है इस एरो को। चलिए मैं इसे कुछ इस तरह से खींचिएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से खींच लीजिएगा। खींचने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वीना लेकर हाथ में कुछ इस तरह से आए, तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। सिंपल से यहाँ पे रखूंगा। रखने के बाद मैं अपने फोन के बटन से कुछ इस तरह से स्पेस से एडजस्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरह से, आप लोग भी कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल से आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से इस कलर वाले यानी कि इस पे क्लिक कर लीजिएगा इस ऑप्शन पे, और टेक्स्ट का जो कलर रखना चाहते हैं उस कलर पे क्लिक कर लीजिएगा। तो टेक्स्ट पे कलर ऐड हो चुका है। उसके बाद सिंपल से आप लोग को यहाँ पे इस एरो पे एक बार क्लिक कीजिएगा। एरो पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपल से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, व्यूज ऑल फॉन्ट्स वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और आप लोग को हिंदी फॉन्ट सर्च करना है। तो बॉक्स में लिखिएगा हिंदी HIN, कुछ इस तरह से HIN लिखिएगा। तो देख सकते हैं कि बहुत सारा फंड आ चुका है। तो जो फंड लेना है सिंपल से उस पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा, तो फंड ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को सिंपल से क्या करना है, यहाँ से जो सही का लोगो दिख रहा होगा इस पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा, तो यहाँ से डन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से फिर से बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को फिर से इसे अनेबल करना है और यहाँ से आप लोग को फिर से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो कलर लगाना चाहते हैं उस कलर पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मेरा ब्लैक ही रहने देता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ से एक बार कर लेंगे बाइक। बाइक करने के बाद मैं इसे फिर से बढ़ा लेता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसे बढ़ा लीजिएगा, अपने हिसाब से बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद आप लोग को फिर से क्या करना होगा,
यहाँ से इस शेडो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा और शेडो को इंक्रीज कर लीजिएगा। शेडो को इंक्रीज करने से पहले इसे अनेबल कर लीजिएगा। अनेबल करने के बाद अब आपको शेडो को इंक्रीज करना है, इसे इंक्रीज करना है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इंक्रीज करने के बाद आप लोग को यहाँ से एक बार कर लेना है बैक। तो बैक करने के बाद देख सकते हैं कि टेक्स्ट कुछ इस तरह से बन चुका है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को इसे बढ़ाना है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा अपने हिसाब से, देख सकते हैं कुछ इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से फिर से क्या करना है, इस प्लस के लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ से व्यूज ऑल वाले फाइल पे क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल से यहाँ से एल्बम वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा। तो सिंपल से जिस फाइल में आपका सॉन्ग है उस फाइल पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग को जो सॉन्ग को ऐड करना है उसके बगल में प्लस का लोगो दिख रहा होगा, तो सिंपल से प्लस के लोगो पे क्लिक कर लीजिएगा तो सॉन्ग ऐड हो जाएगा। चलिए मैं कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लेयर बन चुका है ऑडियो का, यहाँ पे तो ऑडियो ऐड हो चुका है। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, अपने फोन के बटन से एक बार कर लीजिएगा बैक। तो बैक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो सिंपल से आप लोग को एक बार करना होगा यहाँ से इस फोटो वाले लेयर पे क्लिक। उसके बाद आप लोग को पूरा लास्ट में आ जाइएगा कुछ इस तरह से। आने के बाद आप लोग को इस सिंबल पे क्लिक कर लीजिएगा और फोटो को लास्ट तक कर लीजिएगा। सिंबल पे क्लिक कीजिएगा तो फोटो ऑटोमेटिक लास्ट तक हो जाएगा। उसके बाद शुरू में आ जाइएगा। शुरू में आने के बाद आप लोग को फिर से टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना होगा यहाँ से एक बार बैक करके। तो सिंपल से टेक्स्ट वाले लेयर पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा यहाँ से। चलिए मैं कर लेता हूँ। करने के बाद फिर से लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, पूरा लास्ट वाले पोजिशन पे आ जाइएगा। आने के बाद फिर से इसी सिम्बॉल पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा तो टेक्स्ट लास्ट तक हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद आप लोग को शुरू में आ जाना है, शुरू वाले पोजिशन पे। उसके बाद आप लोग अपने फोन के बटन से बैक कर लीजिएगा और आप लोग को क्या करना है, यहाँ से फोटो वाले लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा एक बार। चलिए मैं फोटो वाले लेयर पे क्लिक कर दिया हूँ। करने के बाद आप लोग को यहाँ से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से सर्च वाले लोगो पे एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग को इस सर्च बॉक्स में लिखना है पेज, PAGE, कुछ इस तरह से पेज लिखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को एक नंबर में मिल जाएगा पेज। तो सिंपल से यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, एक नंबर वाले पे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सिंपल से आप लोग को पहले क्या करना होगा, इसे घटा लेना है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से बढ़ा करके घटा लीजिएगा, देख सकते हैं कुछ इतना पे रख लीजिएगा, अपने हिसाब से रख लीजिएगा इतना पे। इतना रखने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, इस प्लस के सिम्बॉल पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद अब आप लोग को पेज को फोल्ड करना है। तो पेज को फोल्ड करने के लिए इसे आप लोग को बढ़ाना है, यहाँ पे देखिएगा अंक बढ़ रहा होगा, कुछ इस तरह से बढ़ाइएगा, कुछ इस तरह से बढ़ा लीजिएगा। कुछ इस तरह से बढ़ाने के बाद आप लोग को सबसे लास्ट में आ जाना है, फोटो के सबसे लास्ट में आ जाना है आप लोग को कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर से इसी सिम्बॉल पे यानी कि प्लस के सिम्बॉल पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद आप लोग को पेज को खोलना है यानी कि ओपन करना है, तो इसे आप लोग को घटाना होगा यहाँ पे अंक को। चलिए मैं अंक घटा लेता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरह से घटा लीजिएगा। तो इतना घटाने के बाद आप लोग को यहाँ से एक बार कर लेना होगा बैक। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ। तो बैक करने के बाद ये जो इफेक्ट था मेरे फोटो में ऐड हो चुका है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं इस तरह से मैं शुरू में आ जाता हूँ। तो शुरू में आने के बाद आप लोग को अपने फोन के बटन से एक बार कीजिएगा बैक और यहाँ से टेक्स्ट वाले लेयर पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। तो टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करने के इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से सर्च वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। करने के बाद बॉक्स में सर्च करना होगा वेब, WAVE, कुछ इस तरह से वेब सर्च कीजिएगा तो एक नंबर में मिल जाएगा वेब। तो सिंपल से वेब वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से इस प्लस के सिंबल पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद आप लोग को इसे बढ़ाना है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से 2.50 के आसपास बढ़ा लीजिएगा या उससे अधिक भी बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं कुछ इस तरह से बढ़ा लेता हूँ। कुछ इस तरह से बढ़ाने के बाद आप लोग को टेक्स्ट के लास्ट में आ जाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आप लोग को फिर से इसी सिंबल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं कर लेता हूँ। करने के बाद आप लोग को पॉइंट को घटाना है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इतना घटा लीजिएगा। घटाने के बाद आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा स्पेसिंग लिखा हुआ, यहाँ पे स्पेसिंग, तो स्पेसिंग वाले लाइन पे कुछ इस तरह से आप लोग को क्या करना होगा,
इसे घटा लीजिएगा इसे भी। अब अपना हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, इसे जितना रखना चाहते हैं उतना पॉइंट पे रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को स्पेसिंग के नीचे में जो जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा इस लाइन पे। उसके बाद आप लोग को इसे भी घटा लेना है, अपने हिसाब से इसे भी घटा लीजिएगा कुछ इस तरह से, इतना घटा लीजिएगा। घटाने के बाद आप लोग को यहाँ से कर लीजिएगा बैक, इस ऑप्शन पर क्लिक करके बैक कर लीजिएगा। तो बैक करने के बाद इफेक्ट ऐड हो चुका है मेरे टेक्स्ट में, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो टेक्स्ट में इफेक्ट ऐड करने के बाद आप लोग को अपने फोन के बटन से कर लेना होगा एक बार बैक। तो बैक करने के बाद मेरा जो वीडियो था, वीडियो बनके तैयार हो चुका है। तो मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तब आप लोग को प्ले करके दिखा देंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से इस तीर के सिम्बॉल पर एक बार क्लिक कीजिएगा, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, तो वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज चल रहा है, तो इसे 100% होने देना है यहाँ पे। तो 100% तक वेट कर लीजिएगा। चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। तो 100% पूरा होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो सिंपल से यहाँ से एक बार सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेव टू गैलरी हो चुका है, यानी कि वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस कर लीजिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो को बनाने और सीखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।